Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss around 5 questions of a teaching aptitude which were asked in previous year and previous which were asked in December 2013. Okay, as we have earlier discussed many more previous year question papers, if you people are new, you have not watched my previous video, so watch my previous video also. Okay, you can also follow my daily dose of NTNet Paper 1, uh, you can find these playlists in the description or in my channel playlist named as NTNet Paper 1 or Daily dose series paper one. Okay, so let us start our video. What question says while delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should a teacher ko lecture deliver time. अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है क्लास में तो उसे क्या करना चाहिए ओके फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर दे रही हूँ ठीक है कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए मेरी क्लास में तो मैं क्या करूँगी कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू कुछ समय तक मैं चुप रहूँगी उसके बाद फिर कुछ समय तक चुप रहूँगी जिससे बच्चे चुप हो जाए फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी जिससे बच्चे फिर शोर करने लगे नहीं ये रीज़न नहीं हो सकता है पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस भाई पनिश कर दोगे आज पनिश कर दोगे कल पनिश कर दोगे वो रोज रोज़ रोज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे है ना पनिश करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है आप उस चीज़ का कारण जानो उसका निदान करो है ना डायग्नोस करो देन उसे रेमेडी करो ये तो ठीक है बट आप उसे अब पनिश करोगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और हमारे सी सी ई के तहत भी सी सी ई के अंडर भी बोला जाता है या फिर हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था या सी सी आया था तो उसमें भी ये बोला गया है कि भाई बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है ओके तो पनिश करके हम नहीं सिखा सकते ये भी गलत हो गया मोटिवेट टू टीच दोस्ट कॉजिंग डिस्टर्बेंस जो बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करो किसी भी तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप उन्हें सिखाने के लिए उन्हें समझाने के लिए उन्हें पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो ओके फॉर एग्जाम्पल पहली बार जो बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनसे आप पूछो ठीक है पहले उनका एक दो दिन आप गैस करो फिर आप उनके उनके लिए क्या कर सकते हो उन्हें मोटिवेट कर सकते हो उन्हें धीरे धीरे करके फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन पूछा उनमें उनको इन्वॉल्व किया उन्होंने थोड़ा सा भी बताया थोड़ी आपने हेल्प की धीरे धीरे करके उन्हें मोटिवेट किया तो वो और इंटरेस्ट हो गए अच्छा आज मैम ने यस कहा मैम ने गुड कहा मैम ने वेरी गुड कहा ऐसे ऐसे तो बच्चे मोटिवेट करेंगे तो बच्चे सीखना शुरू कर देंगे और क्लास में पानी या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट नह, नहीं करेंगे ओके ये रीजन सही है दूसरा लास्ट वन क्या है नॉट वॉर् ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द क्लास आपसे कोई भी मतलब नहीं है बच्चे कुछ भी करते रहे आप अपना चैप्टर पढ़ाएंगे पीरियड होगा पीरियड ओवर होगा आप चले जाओगे ये भी रीजन नहीं है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर तो क्वेश्चन आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट क्वेश्चन सेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है एफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ एफेक्टिव टीचिंग क्या किसका फंक्शन है टीचर्स की सेटिस्फैक्शन टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड या फिर टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस एफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ मतलब किसका फंक्शन है अफेक्टिव टीचिंग टीचिंग मतलब टीचर मैं इफेक्टिव टीचिंग कब कर रही हूँ मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ बस दैट मीन्स एफेक्टिव टीचिंग है नहीं ऐसा नहीं है मेरे सेटिस्फाई होने से क्या है हर कोई अपनी टीचिंग में सेटिस्फाई होता है जो जो कर रहा होता है उसे तो वो अच्छा ही लगता है ना इट मीन्स मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा अगर पढ़ा रहा है उसे तो लगेगा कि हाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं बट रिस्पॉन्स uh, आगे से क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आप समझ पा रहे हो या नहीं आप लर्न कर पा रहे हो ना या नहीं जिनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है देट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके तो टीचर के सेटिस्फैक्शन से कुछ भी नहीं होगा हमारे लर्नर के सेटिस्फैक्शन से लर्नर के अंडरस्टैंडिंग से इफेक्टिव uh, टीचिंग हमारी मैटर uh, करेगी ओके okay? टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टीचर की ऑनेस्टी भाई ऑनेस्ट होना चाहिए और उसने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा किया फॉर एग्जाम्पल मैंने कमिटमेंट किया था भाई लाइव क्लासेस का तो दो बार मैं लाइव आ चुकी थी ठीक है दो बार मैं लाइव आई थी तो क्या हुआ था कि बच्चों पहले मैंने सजेशंस भी मांगे थे बट उस टाइम कोई लाइव आया नहीं था ओके तो ये बात हुई दो तीन बच्चे लाइव थे स्टिल बाद में सब ने रिकॉर्डेड देखी बट कोई बात नहीं लाइव नहीं आया कोई तो ये बात है कमिटमेंट जो करना उसे पूरा करना इससे मतलब है कि इसका मतलब है कि इफेक्टिव टीचिंग की मैंने नहीं।, नहीं ये भी नहीं होगा ठीक है तीसरा क्या है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड हाँ ये बात सही है कि टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कितनी हद तक समझ में आ रहा है कितना समझ में आ रहा है वो कितना सीख पा रहे हैं उस चीज से ओके मैं वीडियो बना रही हूं आपको कितना समझ में आ रहा है इससे दैट इज इफेक्टिव टीचिंग न लास्ट वन इज टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस भाई टीचर की लाइकिंग क्या है प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए ये भी मैटर नहीं करेगा एफक्टिव टीचिंग से क्योंकि वो आपका निजी जीवन है आप आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस का आ, निजी जीवन इन द सेंस आपका प्रोफेशनल एक्सीलेंस से अफेक्टिव टीचिंग का कोई रिएक्ट नहीं करता एफेक्टिव टीचिंग तभी प्रभावित होगी जब आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा है ना आपके स्टूडेंट चीज़ों को लर्न कर लेंगे है ना आपके बच बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएंगे चीज़ों को तो वो इफेक्टिव टीचिंग होगा मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आए दैट इज़ इफेक्टिव टीचिंग टीचिंग तो तभी हो गई ना तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों करेक्ट हुआ कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको गाइस नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट क्वेश्चन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग भाई लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है लर्निंग मतलब क्या होता है सीखना है ना सीखने का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है एक्वाजिशन ऑफ स्किल्स आप स्किल्स को सीख लो दैट इज सीखना आपने स्किल्स uh, सीख ली दैट इज सीखना नहीं सिर्फ स्किल सीख लिया आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीख लिया है ओके मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हाँ ये इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब आप समझ रहे हो कि व्यवहार में परिवर्तन ओके okay? क्या व्यवहार में परिवर्तन क्या है व्यवहार में परिवर्तन होना दैट इज़ मॉडिफ़िकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब आपके व्यवहार में कितनी हद तक परिवर्तन आया है लर्निंग के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा बच्चा है वो स्कूल जाता है वो कुछ सीखता है ठीक है उसके सीखने के बाद कितना उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं ओके इसका मतलब वो सीख रहा है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल एटीन नाइन्टीन ईयर्स के हैं हाँ अभी हम लोग ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ऐसे ही है हाँ ना अपनी एज ये एज है और एक ये एज है इस एज में बच्चा कन्फ्यूज़ होता है अब इस एज की ओर जब बढ़ता है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ाइव की ओर जब वो बढ़ेगा तो उसमें उसमें डिफरेंस आ जाएगा डिफरेंस ये आएगा इसने ये ये बच्चा सीख रहा है इसके मॉडिफ़िकेशन में बिहेवियर आ रहे हैं इसके मॉडिफ़िकेशन इसका बिहेवियर विकसित हो चुका है ओके ट्वेंटी फाइव तक उसका विकसित हो चुका है अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक अंडरस्टैंडिंग तक वो समझ चुका है या फिर हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ थेरेपिटिक अप्रोच डिज़ाइन टू चेंज अ पर्टिकुलर अनडिज़ायरेबल नेगेटिव बिहेवियर किसी आप नेगेटिव किसी आप पर्टिकुलर बच्चे का अगर नेगेटिव बिहेवियर है ओके किसी बच्चे का पर्टिकुलर नेगेटिव बिहेवियर है तो उसे आप चेंज कर पाने में कितने सक्षम हो है ना किसी नेगेटिव बिहेवियर को आप चेंज कर पाने में इसको नेगेटिव से आपने पॉजिटिव बनाया है ना पॉजिटिव कर पाने में आप कितने सफल हुए कितने सक्षम हो ये हुआ आपकी मीनिंग ऑफ लर्निंग मतलब उस बच्चे ने लर्न किया है किसी चीज़ के बारे में हम नेगेटिव सोचते थे हमने उसके बारे में सीखा जाना फिर हमारा रिएक्शन पॉजिटिविटी की ओर गया उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ हमने सीखा है कुछ ओके और क्या है पर्सनल एडजस्टमेंट ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मैं अभी बता दूंगी बता पत, देती हूँ नीचे मैंने मेंशन करके रखा है आप लोगों के लिए देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ थेपिटिक अप्रोच डिजाइन टू चेंज अ पर्टिकुलर अनडिजायरेबल नेगेटिव बिहेवियर किसी अनडिजायरेबल नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करना बाई यूजिंग अ सिस्टम ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उसके लिए आप कुछ सिस्टम निर्माण करोगे जैसे पॉजिटिव भी होंगे कुछ नेगेटिव भी होंगे उस पर्टिकुलर नेगेटिव बिहेवियर को हटाने के लिए आप ये सब चीज़ें यूज करोगे ओके दैट एन एंड इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल लर्न द करेक्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्स फॉर गिवेन Stimulus, जिससे कि इंडिविजुअल करेक्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्स को लर्न कर सके गिवन स्टले स्टमस को लेकर के मतलब वही है आप व्यवहार में परिवर्तन करो आ, अगर कोई बच्चा आ, किसी चीज को लेकर उसके अंदर नेगेटिविटी है तो उसको आप आ, कुछ कॉन्सिक्व उस चीज को रखो फिर आप कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज रखो फिर धीरे धीरे अगर उसके चेंजेस होने लगे उसके व्यवहार में है ना इसका मतलब आपने लर्निंग की है मतलब उसने लर्निंग की है उसे समझ में आ रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है आई होप इससे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है ना पर्सनल एडजस्टमेंट भी कोई आ, कि किसी बच्चे ने किसी क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास में एडजस्ट कर लिया ओके okay, पर्सनल एडजस्टमेंट उसने अपने एडजस्टमेंट कर लिया किसी भी तरीके का इसका मतलब है कि वो सीख रहा नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है एडजस्टमेंट कर लिया वो सेटिस्फाई नहीं है इसका मतलब वो सीख कहाँ से ले रहेगा इनकलकेशन ऑफ नॉलेज ये भी नहीं है देखिए इनकलकेशन ऑफ नॉलेज क्या होता है कि नॉलेज को आप ना कूट कूट के भर दो उसके उस, उस बच्चे के दिमाग में आपने नॉलेज को इनकलकेट किया है ओके ये भी नहीं होगा जब तक आप नॉलेज आपने भर दी है जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे में लर्निंग हो रही है या नहीं इनकलकेशन ऑफ नॉलेज को थोड़ा और हम समझते हैं देखिए इनकलकेशन ऑफ नॉलेज क्या है इंस्टिलिंग ऑफ नॉलेज और वैल्यूज़ इन समवन किसी में वैल्यूज़ uh, किसी बच्चे में आपने वैल्यूज़ विकसित की वैल्यूज़ भरी मतलब समझाई समवन किसी भी बच्चे में किसी भी आपके कलीग में या फिर यूजुअली बाय रेपिटिशन रेपिटिशन के दौरान फॉर एग्जांपल रोज बच्चे को सिखाया जा रहा है कि सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करिए ठीक है आप नमस्ते करिए अपने बड़ों का पैर छूए तो वो आप रेपिटेशन ऑफ चीज करोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ही करने लगेगा अब जब आपके वहाँ कोई आता है तो आप खुद ही बोलते हो हाँ अंकल नमस्ते पैर छूते हो ऐसे करते हो ना तो ये हो गई रेपिटेशन ऑफ नॉलेज बार बार आप उस चीज को समझाएंगे तो बच्चे में अपने आप वो चीज़ डेवलप हो जाएगी या इनकलकेट हो जाएगी या उसके माइंड में अपने आप डेवलप हो जाएगा कि भाई कोई आएगा तो उसे सबसे पहले नमस्ते करना है पानी पूछना है चाय पूछनी ऐसे ऐसे करना है तो आपने दिमाग में बच्चे के छोटे से ही इनकलकेट कर दिया है भर दिया है तो इसका मतलब इंकल्केशन हो गया है ओके टू इंकलकेट इज टू इंस्टिल और इम्प्रेस एन आइडिया ऑन सम वन सो इंकल्केशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्टिलिंग और इम्प्रेसिंग आइडियाज और लॉट ऑफ टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंकल्केशन मतलब टीचर्स रिपीट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट होपिंग इट विल सिंग इन टीचर इसीलिए इंकलकेट करता है बार बार uh, किसी नए चैप्टर को पढ़ाने से पहले क्या होता है पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज को आधार बांध के हम फिफ्थ क्लास में गए तो फोर्थ फोर्थ क्लास का पहले टीचर पूछेगा उसको इंकलकेट करके ही समझाएगा एकदम से अगर उसने समझा दिया तो आप लोगों को कुछ भी या बच्चों को सॉरी कुछ भी समझ में नहीं आएगा ओके okay? तो इनकलकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा मतलब ज्ञान का समावेशन बट स्टिल अब यहाँ पे लर्निंग की बात हुई है सीखने की बात हुई है तो जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा हम इनकलकेट कुछ भी कर दें फॉर एग्जाम्पल हमने अपने बच्चों को कुछ भी किसी बच्चे को हमने समझाया अपने बच्चों को तो उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है कि उन्हें नमस्ते करना है या पैर छूना है या उन्हें आ, पानी पूछना है कोई आएगा मेहमान तो उनके व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है ना इट मीन्स कि उनके आ, उनमें लर्निंग नहीं हुई है वो सीख नहीं पाए हैं तो सबसे बेस्ट आंसर आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोई

उसके पहले इवेलुएशन हुआ होगा तो अब तक आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि टू एंड थ्री यहाँ पे दिया है टू एंड थ्री फोर्थ ऑप्शन में दिया है इसलिए मैम ने ये बोला है तो ये होगा ठीक है और अगर आप सीक्वेंस से चलते हो फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको पढ़ाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं एन टी एन एड पेपर वन का ये ये प्रीवियस ईयर ये, ये पर्टिकुलर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन का ओके मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इसे समझाने हैं चार से पाँच क्वेश्चन ठीक है नंबर वन मेरा ये हो गया दूसरा मेरे पास क्या है मैं रिलेट करूँगी प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस वन से मतलब जो बच्चों की प्रेजेंट नॉलेज आप लोगों की जो नॉलेज है उसे मैं रिलेट करूँगी कि uh, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए आप लोगों को इनकल्केशन ऑफ नॉलेज के तो मैंने प्रेजेंट नॉलेज को जो आपके पास नॉलेज है उसको मैंने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट किया उसके बाद मेरा क्या स्टेप होना चाहिए उसके बाद मेरा स्टेप होना चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशन करूं मतलब मैं अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट करूं या बोर्ड के थ्रू आपके सामने आऊं आपको समझाऊं ओके फिर मेरा क्या उद्देश्य होगा कि मैं इवेल्युएट करूं है ना मैंने आपको टेस्ट दिए एमसीक्यूज दिए मॉक सीरीज दी जो भी फेसबुक ग्रुप्स पे तो उसमें मैं इवेलुएट कर रही हूँ ठीक है फिर उसके बाद देखती हूँ मैं री टीचिंग सबसे लास्ट में करूँगी कि जिन बच्चों को जो जो नहीं समझ में आया उनको मैंने अपनी वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं कि भाई आप इससे समझ सकते हो दैट इज री ओके ये हो गया ये इसी तरह से आप इसे समझ सकते हो और सबसे लास्ट ये भी था कि रीटीचिंग तो आया होगा उसके पहले इवेल्यूशन आएगा आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे बट स्टिल आप कैसे भी फाइंड आउट कर लो मैंने समझा दिया है फोर्थ इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ वी ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टीचर का रोल क्या होता है पीजी लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना ठीक है और क्या है प्रमोट सेल्फ लर्निंग टू स्टूडेंट हाँ ये अच्छा है फिर क्या है इनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग आप कंपटीशन ही कंपटीशन भर दो बच्चों में तो ये भी नहीं है कि हेल्दी कंपटीशन आपने खाली भर दिया है सिर्फ यही एक मोटो है हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम हाँ ये ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप कर सकते हो बट इन सब में बेस्ट क्या होगा टीचर को क्या करना चाहिए हायर एजुकेशन लेवल पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पी या फिर सॉरी चलो हम लोग पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं ओके okay? फिर उसमें क्या होता है हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो क्या करेंगे वो हमें आ, इस लेवल पे करेंगे कि आप खुद पढ़िए खुद समझिए है ना तो सेल्फ लर्निंग को वो लोग क्या करते हैं प्रमोट करते हैं आपको थीसिस लिखनी है आपको रिसर्च करनी है तो आप खुद सेल्फ स्टडी करिए खुद नॉलेज इनकलकेट करिए उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट करिए ओके okay? हम बार बार टीचर्स जो थोड़ा सा नहीं आया हमें हम टीचर से पूछने पहुँच गए ठीक है कुछ भी हो टीचर से पूछने पहुंच गए तो ये हायर एजुकेशन पे ये रोल नहीं होता है अगर यहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन या कुछ होता तो ये हो सकता था देखिए हल्दी तो अभी नहीं लेंगे इन दोनों में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन या हेल्प स्टूडेंट अगर छोटे बच्चों की बात होती तो हेल्प स्टूडेंट हेल्प स्टूडेंट इन मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हो सकता था प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ये भी ठीक है बट अगर हायर एजुकेशन की बात हुई है ना तो उसमें सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाता है क्योंकि हर जगह टीचर नहीं पहुंच सकता रिसर्च करने आप पता चले गए आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप टीचर से पूछने पहुंच गए ऐसा कुछ नहीं होगा आपको खुद ही दिमाग लगा के खुद ही सर्च करना पड़ेगा खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी ओके okay? इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई और होता छोटे बच्चों की होती एलिमेंट्री वगैरह तो यहाँ पे ये ऑप्शन ना होता क्योंकि छोटे बच्चे खुद सीख नहीं सकते हैं उसमें टीचर को हेल्प करनी पड़ती है ओके okay? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बहुत इजी से क्वेश्चंस थे कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट था नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने आंसर सही भी दिए थे थर्टी थ्री में सी ओके नाउ फिर से मैं बता देती हूँ थर्टी थ्री में सी थर्टी फोर में आपका सी ठीक है थर्टी फोर में भी सी है और थर्टी फाइव में बी है ओके ना थर्टी फाइव में बी है एंड थर्टी सिक्स में मैंने आपको ट्रिक भी बता दी डी ऑप्शन ओके थर्टी सिक्स में थर्टी थर्टी एट में आपका प्रमोट सेल्फ लर्निंग ओके तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे है ना और गाइज अगर मेरी मेहनत पसंद आया करे वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को बाकी आप लोगों के ऊपर है ठीक है सो इट वॉज इन दिस वीडियो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग आई टाटा बाय बाय टेक केयर